गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर बायोलॉजी विद जडी सर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मित्रों, कल हमने मेंडल के दो नियम पढ़ लिए थे, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यून का नियम, इसे हम आज देखेंगे। स्वतंत्र अपव्यून का नियम प्रतिपादित करने के लिए मेंडल ने एक प्रयोग किया जिसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब मेंडल ने यहाँ पर कितने लक्षणों में क्रॉस कराया, दो विपर्यासी लक्षणों में। कितने लक्षणों में? दो विपर्यासी लक्षणों में मेंडल ने यहाँ पर क्रॉस करवाकर अपना प्रयोग कर कौन सा नियम दिया, स्वतंत्र अपव्यून का नियम। ठीक है, यहाँ पर जो उसने दो लक्षण लिए वो कौन कौन से थे? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं जनक। इन्हें क्या कहते हैं हम? जनक। इनसे आगे जो बन जाते हैं आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ये कहलाते हैं युग्मक। ठीक है मित्रों, यहाँ से जो पहली पीढ़ी बनी वो पहली पीढ़ी कैसी थी? कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई जो जिस लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लक्षण थे गोल व पीले बीज। कैसे लक्षण थे? गोल व पीले बीज। और ये किन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे? झुर्रीदार व हरे बीज। किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? झुर्रीदार व हरे बीज। तो यहाँ पर F1 संतति यानी कि प्रथम संतति या प्रथम पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई, उस प्रथम पीढ़ी के अंदर सभी जो पादप थे वो कैसे प्राप्त हुए हमें? संकर गोल व पीले बीज वाले पादप। कैसे पादप प्राप्त हुए? संकर गोल व पीले बीज वाले पादप। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये तो आ गई हमारी प्रथम पीढ़ी। अब हम जब बात करते हैं F2 पीढ़ी की, तो हमने पहले ही बताया था कि प्रथम पीढ़ी के जनकों में क्या होता है? स्वनिषेचन। क्या होता है? स्वनिषेचन। इस स्वनिषेचन के फलस्वरूप जो पीढ़ी बनती है उस पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी। क्या कहते हैं मित्रों? F2 पीढ़ी। तो इसके लिए हम चेकर बोर्ड की या पनेट स्क्वायर की मदद लेते हैं। इसमें हम 4x4 का पनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और इसकी F2 पीढ़ी को ज्ञात करेंगे। यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम एज हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनमें क्रॉस कराएंगे तो पहला जो क्रॉस होगा वो क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा जो क्रॉस होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई देन स्मॉल वाई। तीसरा जो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। चौथे में कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसी तरीके से हम दूसरे का करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल। तो इस तरीके से जो हमने क्रॉस कराया उससे हमें इस तरीके के पादप प्राप्त हुए। स्वतंत्र अपव्यून का नियम इसलिए ही कहा गया क्योंकि यहाँ पर F2 जनरेशन के अंदर किसी भी लक्षण की वंशागति पर किसी भी दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसके हिसाब से आप देखें इसके लक्षण पर, इसके लक्षण प्रारूप क्या हो गए? 9:3:3:1। और इसका जीन प्रारूप कितना हो गया? 1:2:2:4:1:2:1:1:2:1:1:2:1। तो ये इसका लक्षण प्रारूप और ये इसका जीन प्रारूप।
मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि मेंडल के द्विसंकर प्रयोग का लक्षण प्ररूप क्या है, लक्षण प्ररूप क्या है। तो उस समय में इसका उत्तर लिखना है मित्रों, 9:3:3:1, ये इसका आंसर। जीन प्ररूप को बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है, मैक्सिमम जो प्रश्न बनता है वो हमारा लक्षण प्ररूप पर ही बनता है, ठीक है। तो मित्रों अभी जो हमने बात की थी वो सारी की सारी बात क्या थी, मेंडलवाद पर थी। किस पर थी, मेंडलवाद पर। मेंडलवाद का मतलब कि मेंडल के नियमों के अनुसार, किसके नियमों के अनुसार, मेंडल के नियमों के अनुसार वंशागति, मेंडलों के नियमों के अनुसार वंशागति क्या कहलाती है मित्रों, मेंडलवाद। अब हम यहाँ पर देखेंगे मेंडलवाद से, क्या देखेंगे यहाँ पर, मेंडलवाद से विचलन, क्या देखा जाएगा यहाँ पर, मेंडलवाद से विचलन। तो मेंडलवाद से विचलन में सबसे पहला जो हम यहाँ देखते हैं वो होता है अपूर्ण प्रभाविता। क्या देखते हैं हम यहाँ पर, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण का मतलब पूरी नहीं, और प्रभाविता हम अच्छे से जानते हैं प्रभावी लक्षणों का प्रकट होना। तो यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं मिराबिलिस जलापा, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल लेते हैं। मिराबिलिस जलापा को हम एक नाम और देते हैं जिसको हम बोलते हैं 4 o'clock plant। क्या कहते हैं उसको हम, 4 o'clock plant, ठीक है। अब मिराबिलिस जलापा के पादपों में दो तरह के पुष्प हमने लिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये थे लाल पुष्प, और ये कैसे पुष्प थे, श्वेत। कैसे पुष्प थे, श्वेत पुष्प। अब जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो हमें तीसरा ही एक मिश्रण या तीसरा मिला जुला लक्षण प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, जिसे हम बोलते थे, कैसे पुष्प प्राप्त हुए हमें यहाँ पर, गुलाबी पुष्प। कैसे पुष्प प्राप्त हुए, गुलाबी पुष्प। अभी गुलाबी पुष्प कौन सी पीढ़ी में थे, F1 पीढ़ी में। अब यहाँ पर अगर मेंडलवाद से विचलन क्यों कहा गया, अगर मेंडल के नियम के अनुसार वंशागति होती तो या तो ये लक्षण प्रकट होना चाहिए था या ये लक्षण प्रकट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लक्षण कौन से प्रकट हुए, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप क्या प्रकट हो गया, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप, जिसे हम क्या कहते हैं, गुलाबी पुष्प। देखिए मित्रों अगर हम इसकी F2 पीढ़ी को तैयार करते हैं तो F2 पीढ़ी के अंदर क्या होगा, स्वनिषेचन। क्या होगा यहाँ पर, स्वनिषेचन होगा। स्वनिषेचन होने के साथ साथ यहाँ पर जो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुए वो एक पादप तो कैसा प्राप्त हो गया हमको, लाल पुष्प वाला। एक कैसा प्राप्त हो गया हमको, लाल पुष्प वाला। दो कैसे प्राप्त हो गए, गुलाबी पुष्प वाले। कैसे प्राप्त हो गए, गुलाबी पुष्प वाले। और एक पादप हमें कैसा प्राप्त हो गया, श्वेत पुष्प वाला। कैसा प्राप्त हो गया, श्वेत पुष्प वाला। तो इस तरह की इसकी F2 पीढ़ी की भी वंशागति होती है, ठीक है मित्रों, ठीक है। अब देखिए हम आगे एक और बात करते हैं मेंडलवाद से विचलन की। एक तो अपूर्ण प्रभाविता था, दूसरा विचलन जो आता है वो आता है सहप्रभाविता। कौन सा विचलन आता है, सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको मित्रों, कोडोमिनेंस। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब कोडोमिनेंस में क्या होता है, सह का मतलब होता है साथ, यानी कि दोनों लक्षण क्या हों, एक साथ वहाँ पर प्रकट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है। कैपिटल आर। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कैटल का, कैटल का मतलब होता है पशु। किसका एग्जाम्पल लिया, पशुओं का एग्जाम्पल लिया। तो पशु में कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर तो हमने ले लिया लाल रंग के फर, ठीक है, और ये हमने ले लिया यहाँ पर श्वेत फर, यानी कि उसके शरीर का कोट कैसा हो, रंग कैसा हो,
लाल और एक का रंग कैसा हो, श्वेत रंग हो, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम इसकी F1 पीढ़ी सीधी निकाल लेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल R और कैपिटल R। यहाँ पर एक नया ही कलर प्रकट हो गया जिसको हम बोलते हैं रॉन कलर। कैसा बोलते हैं, रॉन कलर। रॉन का मतलब होता है चितकबरा। क्या होता है इसका मतलब, चितकबरा, यानी कि उस F1 पीढ़ी के अंदर उस पशु का जो रंग आएगा वो रंग कैसा आएगा, चितकबरा रंग आएगा। कैसा रंग आएगा मित्रों, चितकबरा रंग आएगा। और जब हम इसकी F2 पीढ़ी में भी वंशाकृति देखेंगे तो F2 पीढ़ी की वंशाकृति कैसी होगी, F2 में यानी कि F1 के जनकों में क्या होगा, स्वनिषेचन। क्या होगा, स्वनिषेचन। तो यहाँ पर भी कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल R और स्मॉल R, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल R स्मॉल R एंड स्मॉल R स्मॉल R। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक जो होगा वो कैसा होगा, लाल रंग वाला, दो कैसे होंगे, रॉन कलर, कैसे होंगे, रॉन कलर वाले, और एक जो होगा वो कैसा होगा यहाँ पर, श्वेत रंग। कैसा होगा, श्वेत रंग, ठीक है मित्रों। तो ये बात हमने की थी सहप्रभाविता की, ठीक है, मेंडलवाद से विचलन। एक और विचलन इसमें आता है मेंडलवाद से, जो तीसरा हम देखते हैं वो विचलन होता है इसमें मल्टीपल एलील्स। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। क्या बोलते हैं उसको हम, मल्टीपल एलील्स। इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO, यानी कि मानव रक्त समूह A, मानव रक्त समूह B, मानव रक्त समूह AB और मानव रक्त समूह O। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, IA I0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, A को, IB I0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, B को, IA IB किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लड ग्रुप AB को, small i किसको रिप्रेजेंट करेगा, O को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, O को। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, IA and small i, IB and small i, IA IB then I0 I0, ठीक है। ये बहुत रेयर केसेस में कहीं देखने को मिलता है, अमूमन हम इसको नहीं देखते हैं, ठीक है, ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ बात करें कि फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, A, मल्टीपल एलील्स की बात कर रहे हैं, मदर का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, B। A को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, IA and I0, B को हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, IB and I0। यहाँ पर इनके जनक बन गए IA I0 IB I0, ठीक है। अब यहाँ से हम इनका क्रॉस करवाते हैं, देखिए मल्टीपल एलील्स यानी कि बहुत सारे लक्षणों की एक साथ वंशावृत्ति, IA and IB IA and I0 IB and I0 then I0 I0। तो इस पीढ़ी की वंशागति क्या हो सकती है कि इस पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होगी उसमें या तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, या ब्लड ग्रुप क्या होगा उसके अंदर A, या ब्लड ग्रुप क्या होगा B, या ब्लड ग्रुप क्या होगा O। यानी कि हर तरह के ब्लड ग्रुप की संभावनाएं क्या बन सकती हैं इसमें, हर तरह के ब्लड ग्रुप की संभावनाएं इसमें बन सकती हैं, इसलिए इसे हमने क्या कहा, मल्टीपल एलील्स, ठीक है मित्रों। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है मानव में लिंग निर्धारण। क्या आता है मित्रों, मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण। कि मानव में लिंग निर्धारण का मतलब क्या हो गया कि मानव में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के माध्यम से, यानी कि मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, या तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। इन 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र के अंदर से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, असूत्री, कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, सॉरी क्या होते हैं वो, ऑटोसोम्स, ठीक है। 22 जोड़ी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स, और एक जोड़ी जो होते हैं वो गुणसूत्र कैसे होते हैं, लिंग गुणसूत्र। कैसे गुणसूत्र होते हैं मित्रों, लिंग गुणसूत्र होते हैं। यही एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र किसका निर्धारण करते हैं, मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप देखिए, अब एक्स एक्स क्रॉस एक्स वाई, एक्स एक्स जो होगी वो क्या होगी, फीमेल होगी, क्या होगी, फीमेल, और एक्स वाई होगा वो हमेशा क्या होगा, मेल। यानी कि हम कहें
तो मानव में जो फीमेल होती है वो क्या होती है, समयुग्मजी। क्या होती है? समयुग्मजी। और मानव के अंदर जो नर होता है वो क्या होता है, विषमयुग्मजी। क्या होता है? विषमयुग्मजी। ठीक है, अब जब हम यहाँ इनके युग्मक देखते हैं, एक्स 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 वाई, अब देखिए एक्स और एक्स, एक्स और वाई, एक्स और एक्स और एक्स और वाई, संभावनाएं क्या बनी, 50% पुत्रियों की संभावना और 50% पुत्र की संभावना। अब देखिए अगली संतति में पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, नर का वाई क्रोमोसोम। कौन करता है? नर का वाई क्रोमोसोम। यदि एक्स क्रोमोसोम वाले अंडाणु से एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अगर उस अंडाणु को निषेचित करेगा तो संतति क्या होगी, एक्स एक्स, यानी वो क्या हो गई, पुत्री। यदि एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु को वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करेगा तो वो संतति क्या होती, एक्स वाई, यानी कि वो संतति क्या होगी, पुत्र। तो कुल मिलाकर मित्रों कि पुत्र होगा या पुत्री होगी अगली संतति में, ये निर्धारण करने का कार्य कौन करता है, मानव के अंदर नर का गुण सूत्र। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा अनुवांशिकी और वंशागति वाला चैप्टर जो होता है, टॉपिक होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म होता है। कल हम इसके पूरे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चनरी सॉल्व करेंगे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही, धन्यवाद मित्रों।